कभी सोचा है कि प्रकृति कैसे काम करती है? मौसम बदलते हैं, तारे घूमते हैं, सूरज और ग्रह भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं, सब कुछ एक गोलाकार पथ पर चलता है। अगर हम अपने आप को देखें, इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सीधी रेखा में चलता है, हमेशा कुछ पाने की कोशिश में रहता है। लेकिन ये सोचो कि क्या वास्तव में हम कभी संतुष्ट होते हैं? नहीं, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसके विपरीत, जब हम जीवन को एक चक्र के रूप में देखते हैं, तो हम समझते हैं कि हर चीज वापस उसी मूल बिंदु पर लौटती है। यही वास्तविक पूर्णता है। जो व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करते हैं, वे एक चक्र की तरह होते हैं, ना कि एक रेखा की तरह। एक रेखा हमेशा अधूरी रहती है, सभी इच्छाएं एक रेखा में चलती हैं। इसलिए कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी इच्छा चक्रीय नहीं होती। अगर तुम संपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, तो तुम्हें संपूर्ण के तरीकों का अनुसरण करना होगा। ऋतुओं की तरह चलो, तारों की तरह गति करो, एक चक्र बन जाओ। जब मैं कहता हूं कि एक चक्र बन जाओ, मेरा तात्पर्य है कि अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौट जाओ। बुद्ध का संदेश याद रखो, वासना दुष्पूर है। वासना का पूरा होना संभव नहीं है। वासना एक रेखा की तरह सीधी जाती है, ना कि एक चक्र की तरह। अपने जीवन को एक चक्र का स्वभाव दो, और तुम देखोगे कि वो वापस अपने मूल स्रोत में वापस आने लगा। और इसी को हमने कार्ड ऑफ द वर्ल्ड में भी दर्शाया है। प्रणाम।